दोस्तों मैं हूँ फिश हंटर और आप देख रहे हैं रिवर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये मैं नदी को और जा रहा हूँ, तो ये नदियाँ हैं ना खतरों से भरी पड़ी हुई है। मुझे बीच बीच में कभी कभी सांप भी मिलती हैं, तो मैंने नदी में जाल लगाया हूँ, तो आगे जाल को निकालने जा रहा हूँ। ये डंटा मुझे सांप से रक्षा करेगी, सांप से बचाएगी। ये छोटा ज़रूर है लेकिन सांप को हटाने के लिए ये काफ़ी है। छोड़िए ना, अरे सर काट लेगा। हटिए, अरे हटिए, छोड़िए ना, नहीं बनाना, छोड़िए, अरे हटिए ना, अरे काट लेगा, उछल के जंप करके काट लेगा, हटिए ना वहां से। सांप से अभी भयानक लड़ाई हुआ। तो देखिए जब भी मनुष्य का सामना जानवर के साथ होता है तो जो जिसका स्पीड या गति ज़्यादा होता है वही जीतता है। आज सांप के साथ मेरा सामना हुआ तो मेरी स्पीड अच्छी थी, सांप से भी ज़्यादा तेज, इसलिए इस डंडे के सहारे मैंने अपने आप को बचा लिया। तो दोस्तों देखिए दो जानवरों के बीच में अगर जब भी लड़ाई होता है तो जिसका गति या स्पीड तेज होता है वही जीत पाता है। तो देखिए आज तो मैं जीत पाया, हो सकता है अगले दिन मैं नहीं जीत पाऊँगा। दोस्तों आप सबको उस तरफ छोटी सी चट्टान नज़र आती होगी जो शायद कैमरा में नहीं आ रही है। मैं ये नदी का पानी जहाँ से बह के निकल के आ रही है दूर पे, वहाँ पे मैंने एक जाल लगाया है, वहीं पे मैं जाल को निकालने जा रहा हूँ। अब भी आगे बढ़िए फिश हंटर के साथ। दोस्तों मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं गेस्ट अपेयरेंस के रूप में, मेहमान कलाकार के रूप में, जो इस वीडियो में आए हैं और मेरा मछली निकलने में थोड़ा साथ देंगे। दोस्तों ये पत्थर बहुत कटीला है, मुझे संभाल के जाना पड़ रहा है खाली पैर। आप लोग कभी भी इधर आइएगा तो संभाल के पे चलिएगा। दोस्तों ये पहाड़ का नज़ारा देखिए, ये पत्थर कितना विशाल है, उसके बगल में दो बड़े बड़े शिला है यानी चट्टान है या पत्थर है। मैं उसी के नीचे में वहाँ पे एक जाल लगाया हूँ, तो वहीं पे मैं और मेरा गेस्ट कलाकार निकालने हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों उस चट्टान के नीचे मैं चारों तरफ से जाल लगाया हूँ, उसे मैं निकालने के लिए नदी में जा रहा हूँ।
उनको यहाँ पे एक भी मछली नहीं फंसी, इसके लिए मैं सॉरी, मैं इस जाल को कहीं और लगाऊंगा एक नई जगह पे। तो दोस्तों ये रहा एक मछली। जब मैं पहली बार आया तो इस मछली को इधर उधर मैं तैरते हुए देख लिया, तो मैंने चारों तरफ से जाल लगा दिया पत्थर के चारों तरफ से और इसे बहुत पकड़ लिया। तो दोस्तों ये मछली नहीं पकड़ने पे मुझे सॉरी बोलना पड़ता है और मछली पकड़ाने पे खुशी जाहिर होती है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर शॉर्ट करता हूँ, फिर से मिलता हूँ हंटर फिशरमैन के साथ या फिश हंटर के साथ एक नए वीडियो पे। और चैनल का नाम है रिवर ब्लॉग। अतली तो निकाल दिया हूँ और ये कार में घुसा रखा मैं इस ट्यूब के रूप में प्रयोग करके है ना बुद्धि को बता रहा हूँ। देखिए मुझे तो मज़ा आ रही है, आप सबको भी मज़ा आती होगी बुद्धि के पलते हुए। जो तो मैं इसे बता इसे खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद आती है दोस्तों। आप लोग तो मेरे जैसे नहीं बन पाएंगे, सिर्फ वीडियो देखें इंजॉय करिए। दोस्तों आज सुबह से मैं भूखा था, कुछ खाया नहीं, तो मैंने एक मछली पकड़ लिया और रोज का किस में खा रहा हूँ, लेकिन आज खा रहा हूँ बिना नमक मिर्चा के साथ। वाह दोस्तों बहुत स्वादिष्ट है, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी, लाजवाब है, लाजवाब। बस दोस्तों बहुत खूब, बस दोस्तों मैं तो खा लिया मछली आज। तो मेरे वीडियो को कृपया आप लोग रिवर ब्लॉग में वॉच करते रहें, मैं इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो लाते रहूँगा। दोस्तों ये वीडियो में है ना जिस प्रकार मछली और केकड़े में मैं स्वाद बदलता हूँ, उसी प्रकार वीडियो का भी स्वाद बदलूँगा, अलग अलग प्रकार से स्क्रिप्ट करते हुए यानी उसको लिखते हुए लाऊँगा। ठीक है, थैंक यू, कृपया मास्टर करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।